बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल की। सबसे पहले मैं सबका वेलकम बैक करना चाहता हूँ क्वांटम क्लासेस पर। मेरे चैनल पर आएँ और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे, एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। हम जानते हैं कि देर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स। अब तक बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है और जानते हैं हम 100, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। और अभी अभी नॉन मेटल्स भी हमने जैसे कार्बन और सल्फर की बात करें, तो कार्बन और सल्फर एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं। तो हमने देखा इस एग्जांपल से कि हमारे आसपास सबसे ज़्यादा तो मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना पड़ेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखें तो एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप होते हैं एलिमेंट, मेटल्स और नॉन मेटल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपकी मेटल्स होते हैं, जैसे देयर आर सम एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी अलग है और कुछ और एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ एलिमेंट हैं जैसे एंटीमोनियम, सेलेनियम और टेलुरियम हैं, मेटल्स हैं, एंड नॉन मेटल हैं जैसे आपका क्या होता है, ये नॉन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग टूल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल आर यूज फॉर मेकिंग टूल, मतलब अगर हम यूटिलाइजेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मेटल नॉन मेटल सब यूज होते हैं। अगर हम एक्टिविटी नंबर वन की बात करें, जहाँ पर एक्टिविटी भी दे रखी है, थोड़ा सा एक्टिविटी बारे में बताऊँगा, आपकी एक्टिविटी नंबर वन है वो ये करें, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ प्योर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, रब द सरफेस, रब द सरफेस ईच द, सबके सरफेस को रब करो, घिसो, रेगमाल से घिसो, सैंड पेपर से घिसो, और उसके अंदर ये देखो क्या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो जितनी मेटल्स होती हैं वो चमकने लगती हैं, है ना, शाइनिंग होने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं। एक्टिविटी टू में क्या है कि टू शो दैट डिफरेंट मेटल डिफरेंट हैव अ डिफरेंट हार्डनेस। और मान लो आप आयरन की एक रॉड ले लो, सोडियम का मेटल ले लो, पोटेशियम मेटल ले लो, है ना, और भी पदार्थ ले लो, और भी मेटल ले लो, जैसे कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सबको पीट पीट के और घिस के देखो, तो हम देखेंगे कि जो आपका सोडियम का मेटल है वो चाकू से कट जाता है, मतलब वो बहुत कम हार्ड होता है, ठीक है। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम है, Mg है, तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। एल्यूमिनियम है, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। इसका मतलब क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके एनायंस बनाते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज उनके ऊपर होता है। वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, है ना, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। एक और टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। कुछ और भी एलिमेंट होते हैं जैसे नॉबल गैस, वो और रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, तो वो नॉन मेटल में उन्हें हम क्लासीफाई कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम जानते हैं कि देयर आर
91 मेटल्स, हम जानते हैं कि यहाँ पर 91 मेटल्स होते हैं, ऑल ऑफ हैव अ सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और सबकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी नॉन मेटल्स हैं उनकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जैसे आपका मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और जैसे आपका मेटल की बात दूसरे मेटल करें तो वो लस्ट्रस होते हैं, लस्टर का मतलब चमकदार होते हैं। इस सर्किट से पता लग रहा है, सर्किट डायग्राम से, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर लोहार है वो मेटल को पीट पीट के उसे शीट में कन्वर्ट कर रहा है, उससे पता चल रहा है कि मेटल कैसे होते हैं, मैलेबल। देखो अगर हम किसी प्रॉपर्टी को विजुलाइज करेंगे तो वो अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल, देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक मशीन है उससे आप तार बनाया जा रहा है, वही उसी तार से ये फैन के अंदर वाइंडिंग कर देते हैं। दूसरी बात, हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। जैसे आपने देखा है कि जब आयरन को मेल्ट किया जाता है तो वो रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट मतलब क्या है, वो रेड कलर का हो जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब ये हुआ कि मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। चलिए इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं, जैसे आपकी मेटल की स्टेट क्या है वो हमें देखनी है। मेटल की स्टेट क्या है, मेटल एक लस्टर देखना है, डेंसिटी देखनी है, डक्टिलिटी देखनी है, सोनोरिटी, कलर, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स आर स्पेसिफिक एलिमेंट्स विच हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। और मेटल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होती नहीं है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेटल्स की अपनी कोई वैल्यू है, अपनी प्रॉपर्टीज़। हम बात करते हैं स्टेट, तो स्टेट क्या है, मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। कलर की बात करें, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होंगे या ग्रे कलर के होंगे, और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेटलिक लस्टर होता है। कैसा लस्टर होता है, मेटलिक लस्टर मतलब वो चमक होती है। तभी आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है। मेटल्स हार्ड होते हैं, तभी हम देखेंगे हम छत पर बैठे हुए हैं, तो छत किसकी बनी हुई है, कंक्रीट की, उसके अंदर क्या है, आयरन की बार। अगर हम डेंसिटी की बात करें, हार्डनेस की बात करें, डेंसिटी की बात करें या फिर वजन की बात करें, जो मास पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो मेटल्स आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई। अगर हम मैलेबिलिटी की बात करें तो सर मैलेबल बिकॉज उनसे उन मेटल से क्या होता है, शीट्स बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी की, डक्टिलिटी की बात करते हैं, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल कैन ड्रॉन इनटू वायर। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और आपके आयरन है, एल्युमिनियम, सब के वायर बनाए जाते हैं। और मेटल की हार्डनेस की प्रॉपर्टी की वजह से किचन में जितने किचन की वेयर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं।